हेलो फ्रेंड्स, चलिए काफ़ी बच्चों का मुझे डाउट आ रहा है गाइस। सर, OCM में तो सारे चैप्टर्स हो गए, जो चैप्टर्स नंबर 2 है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है सर। काफ़ी सारे पॉइंट मिक्स हो जा रहे हैं, तो कुछ ट्रिक बता लो। तो सर, चैप्टर नंबर 2 के लिए मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इतना बड़ा चैप्टर्स, वो भी 6 टॉपिक के अलग अलग पॉइंट्स को याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा कर लो, मतलब आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, ठीक है? वेरी क्विकली जो बच्चों का बाकी है वो मैं जो बोल रहा हूँ कर लो, आपके फटाफट क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, वेरी क्लियर है? तो आइए, तो सबसे पहला अपन बात कर रहे दोस्तों, देखिए हम लोग चैप्टर्स नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टोटल 6 डेफिनेशंस है, 6 मीनिंग्स है, उसके एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है? वेरी क्लियर है? तो बच्चा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप लोग ध्यान दे दो, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए, मैं सिंपल सा एकदम लॉजिक बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ सकते हो आप। सबसे पहले अपन बात करें प्लानिंग, सबसे पहले हम लोग क्या बात करें बच्चों, प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? सिंपल बोलना, देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हुज़ टू डू इट। मुझे एक बात बताओ, कभी भी प्लानिंग कभी करते हो? एडवांस में ही करते हो, और प्लानिंग में यही डिसाइड करते हो कौन करेगा, कब करेगा, राइट? यही सब डिसाइड करते हो। तो सिंपल सा डेफिनेशन बोल लो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हुज़ टू डू इट। खलास, चलो। ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज मीन बाय? पहले 6 डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद इसका मैं आपको एक कॉमन आंसर्स बता देता हूँ, एक कॉमन आंसर्स बता देता हूँ गाइस। मैं आपको वेरी क्विकली 5 to 7 मिनट्स में चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, ध्यान से सुनो। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? चीज़ों को इकट्ठा करना, जमा करना, मैन पावर को जमा करना, मटेरियल को जमा करना, ह्यूमन रिसोर्सेस को जमा करना, ये सबको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद बोलने का डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, सेकेंड डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। एक डेफिनेशन में पढ़ लेना। एक तीसरा स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मतलब जब आप जॉब पे किसको रखते हो, भर्ती करते हो, उसको अपन सिंपल बोलते हैं स्टाफिंग। तो ऐसा बोलने का, व्हाट इज स्टाफिंग? फिलिंग एंड कीप इट फिलेड, कम ऑन, फिलिंग एंड कीप इट फिलेड। क्या क्या? पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। मतलब जो जॉब फिल करते हो उसको बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर देना, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। अरे भैया, ऑर्डर किसको दोगे? एम्प्लॉय को। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? What is coordinating? Coordinating refers to interlinking. Come on. What is coordination? Coordination मतलब बातचीत करना. Coordination refers to interlinking of action. There is a need of coordination. Top level coordinate with middle level. Middle level coordinate with lower level. Lower level coordinate with employee. Khalas? Yes. उसके बाद हम लोग बात कर रहे बच्चा controlling. What is controlling? Controlling is a process of monitoring actual performance, ठीक, and take corrective actions if required, ठीक है? Come on. What is controlling? Controlling मतलब चीज़ों को manage करना। Controlling is a process of monitoring actual performance and take corrective actions if required, ठीक है? तो ये बच्चा 6 डेफिनेशन से मीनिंग है, मैं आगे बात कर रहा हूँ, ये 6 डेफिनेशन से मीनिंग है, आप जरा समझने की कोशिश करो मैं जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है? वेरी क्लियर है? यस। अब मैंने ना एक कॉमन आंसर्स बनाया। देखो, एग्जाम में आना आपको, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आ जाए, कुछ भी, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग आ जाए, कंट्रोलिंग आ जाए, एक ही आंसर याद रखना,
ज़्यादा आंसर आपको याद रखने की गरज नहीं है, एक ही आंसर याद रख लो, एक कॉमन आंसर, आप कोई भी आंसर उसमें फिट कर दो चल जाएगा। ठीक है, पहले तो एक बार पॉइंटर्स समझ लो कौन से, ठीक है, पॉइंटर कौन से। अगेन, जो बच्चे ने पढ़ के नहीं हुआ है, जिसका मिक्सअप हो गया है चैप्टर नंबर टू, उनके लिए एक सबसे बेस्ट उपाय, बेस्ट सॉल्यूशन है। वेरी क्लियर है गाइज? आ जाओ, पहला, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। गाइज मैं क्या बात कर रहा हूँ बच्चा, बोलो कमॉन, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान से सुनना। सेकेंड, सेकेंड, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बच्चा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट, कॉर्पोरेट इमेज, थर्ड पॉइंट कॉर्पोरेट इमेज। फोर्थ पॉइंट इनोवेशन, नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेशन, उसके बाद रिडक्शन इन वेस्टेज, उसके बाद बेटर रिलेशन, उसके बाद टीम वर्क, उसके बाद रिड्यूस एब्सेंटिज्म। मैंने सिंपल सा एक कीवर्ड दिया है, होकिम एफआरबीटीआर, कमन कमन, क्या बोलना, होकिम एफआरबीटीआर, क्या बोलना राजा, होकिम एफआरबीटीआर, होकिम कमन, होकेम एफ आर बी टी आर, होकेम एफ आर बी टी आर, की वर्ड याद रखो आप, पहले तो की वर्ड याद रखो, होकेम एफ आर बी टी आर, एस से हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव, एस से हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, सी से कॉर्पोरेट इमेज, आई से इनोवेशन, ई से एफिशिएंसी, एम से मोटिवेशन, क्लियर, एफ से फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेशन, आर से रिड्यूस वेस्टेज, बी से बेटर रिलेशन, टी से टीम वर्क, और आर से रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एक की वर्ड याद रख लो, होकिम एफ आर बी टी आर, कमॉन कमॉन, होकिम एफ आर बी टी आर, होकिम एफ आर बी टी आर, होकिम एफ आर बी टी आर। इतना क्लियर हो गया, कीवर्ड याद रह गया, वेरी क्लियर है। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो बच्चों, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आंसर्स लिखने का, कैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखो, पहला पॉइंट का नाम क्या है, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। देखो अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सबके लिए कॉमन आंसर। क्या करना, पहला पॉइंट, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव डैश, डैश का मतलब एक्सप्लेनेशन में देखो ना क्या लिखा है मैंने, डैश हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी फिट करो ना, प्लानिंग हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी फिट करो। ठीक है, देखो, डैश हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंक्रीज इन सेल, प्रॉफिट, मार्केट शेयर्स। इफेक्टिव डैश मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इफेक्टिव डैश एबल द एम्प्लॉय टू अंडरटेक द एक्टिविटीज, देयरफॉर फॉर्म इन अ बेटर पोजीशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर, खलास। तो एक सिंपल सा, आप ए पेज पढ़ लोगे ना आपका काम हो जाएगा। एक कॉमन आंसर, कीवर्ड याद रख लो, और एक ढंग से पढ़ लो, सब में वही लिखो, और एग्जाम में एक ही आने वाला है यार। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब मुझे बता दो कंपनी में कौन से रिसोर्सेज होते हैं, पाँच, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, राइट ना, और मनी, यही तो रिसोर्सेज होते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ करना। एक अब आप ऑप्टिमम यूज़ करोगे जब अच्छी प्लानिंग करोगे, जब अच्छे स्टाफिंग करोगे, जब अच्छी कोऑर्डिनेशन करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, यही होगा। तो डैश, डैश मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा, डैश फैसिलिट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, या वो पाँच एम भी आप लिख सकते हो, टू पुट बेस्ट पॉसिबल यूज टू जनरेट हायर रिटर्न्स, क्लियर है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इमेज, अगर आप कंपनी में बचो, अगर आप कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज में क्या लिखोगे, देखो वेरी सिंपल, अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छी स्टाफिंग करोगे, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करोगे, तो आपका कॉर्पोरेट इमेज होगा, क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज कहाँ पे होता है, कभी भी माइंड में होता है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग करोगे, अच्छे स्टाफिंग करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे, तो बोलो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा कि लिख दो। इनोवेशन सर बहुत ज़रूरी है, कंपनी में इनोवेशन करना, इनोवेशन के लिए प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, स्टाफिंग चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, तो ये सब होगा तो इनोवेशन भी होगा। डैश लीड टू इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन एग्जाम्पल, वट इज़ इनोवेशन, न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिज़ाइन, न्यू स्कीम, उसको बोलते हैं इनोवेशन। नेक्स्ट, एफिशिएंसी, वट इज़ एफिशिएंसी, जिंदगी में कभी भी याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब क्या, एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न, एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, एफिशिएंसी, एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न, उसको अपन क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, वेरी क्लियर है। प्रॉपर डैश फैसिलिटेट द हायर एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, अगर मैं अच्छी प्लानिंग करूँगा, अच्छे स्टाफिंग करूँगा, अच्छे डायरेक्शन, तो मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। आपको समझ गया है कॉमन आंसर लिखना कैसे? मैं आपको चाहिए तो ये फाइल आपको भेज दूँगा, जिनको भी चाहिए रहेगा आप व्हाट्सएप नंबर अपने डाल देना, उनको भेज दूँगा मैं, या मैं देखता हूँ यूट्यूब पे अटैच करने का पॉसिबल होगा तो अटैच कर दूँगा, या जिनको भी चाहिए रहेगा मैं भेज दूँगा उनको। मोटिवेशन, अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छी स्टाफिंग करोगे तो मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन में याद रखना, आप एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, दो तरीका होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब एम्प्लॉय को टाइम पे पगार दो, सैलरी दो, बोनस दो। नॉन मॉनेटरी मतलब फैसिलिटीज। वेरी क्लियर? यस। उसके बाद फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन, बोलो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छी स्टाफिंग, ये सब। रिडक्शन इन वेस्टेज, अगर मैं अच्छी प्लानिंग करूँगा, अच्छे स्टाफिंग करूँगा, मेरे स्टाफ अच्छे होंगे तो वेस्टेज कम करेंगे, मैं प्लान करके काम करूँगा तो वेस्टेज कम होगा, मैं अच्छे से डायरेक्शन दूंगा, ए एम्प्लॉय सुन वेस्टेज मत करना रिसोर्सेज, वेस्टेज कम होगा, कंट्रोल करूँगा, वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। बस आप खाली एक बार कॉमन आंसर्स को पढ़ लो, अंदर जो लिखना है लिख दो, वैसे भी पॉइंटर्स वो लोग देखेंगे, मार्क्स दे देंगे, ठीक है। ये एकदम रामबाण इलाज है लास्ट मोमेंट के लिए, जिनको कुछ नहीं आता चैप्टर नंबर छोड़ो मत, ये कर लो आपके काम हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, क्लियर है आपको? समझ रहा है बच्चा? वेरी क्लियर। अरे राजा सबको समझा? यस। तो अगर कुछ और डाउट है, मैंने आपको एक कॉमन आंसर आपको बता दिया इतना शॉर्टकट में। अगर आपको चाहिए इसका डिस्टिंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अब बोल दो, मैं इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 से 15 मार्क का है, इग्नोर मत करो। खाली डेफिनेशन पढ़ लो, एक कीवर्ड पढ़ लो, ये जो कॉमन आंसर है कीवर्ड पढ़ लो, आपके काम खलास। वेरी क्लियर। और एक कॉमन आंसर्स कर लो, स्मार्ट वर्क करो या लास्ट का भी क्या करोगे, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए आप रिप्लाई करते जाओ, मैं बना बना के अपलोड करते जाऊंगा एकदम फटाफट, 5-5 मिनट की वीडियो, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो जस्ट रिविजन शॉर्टकट पर्पज़ के लिए था, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और पेपर भर भर के आओ, कुछ जस्टिफाई में प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी ये यूट्यूब पे डाल के रखा है एक साल पहले ही, जस्टिफाई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चंस, अब देखोगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।